हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, मैं स्वरूप सर एक बार फिर आपका झारखंड के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। छात्रगण, जैसा कि मैंने बताया कि जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड सामान्य ज्ञान में एक टॉपिक दिया हुआ सिलेबस में आपका झारखंड आंदोलन और उसके तहत झारखंड आदिवासी के बारे में आपको पढ़ना है। उन आदिवासियों में से संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, लोहरा, गोंड, भूमिज, खड़िया के बारे में आपको मैंने बताया है कि उनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। आज उसी नोट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका आज का हेडिंग होगा महली जनजाति। देखिए, इसमें महली जनजाति, देखिए इसमें यह एक शिल्पकार, यह एक शिल्पकार जनजाति है जो बांस की कला, बंबू आर्ट, यह एक शिल्पकार जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण माने जाते हैं। यह एक शिल्पकार जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण माने जाते हैं, जो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है, जो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। जिनमें बी ग्रुप, बी ब्लड, जिनमें बी रक्त समूह, बी ब्लड ग्रुप, जिनमें बी रक्त समूह की अधिकता है। नेक्स्ट पॉइंट, महली जनजाति का मुख्य केंद्र, रांची, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्रों पर है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जनजाति का धर्म, हिंदुओं से मिलता जुलता है। यद्यपि इनका मुख्य देवता सुरजी देवी है, सुरजी देवी है। सूर्जी देवी है उसी में। यद्यपि इस जनजाति द्वारा अपने पुरखों की पूजा करने की परंपरा है जिसे
गोड़म साकी, इसे गोड़म साकी कहते हैं। कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महली महली जनजाति के लोग, महली जनजाति के लोग, जनजाति के लोग वधु मूल्य को पौन टका कहते हैं। पौन टका कहते हैं। साथ ही साथ समाज पितृसत्तात्मक है, सत्तात्मक है, और इस जनजाति में 16 गोत्र पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध विद्वान रिजले ने महली जनजाति को, प्रसिद्ध विद्वान रिजले ने महली जनजाति को 5 उपवर्गों में, 5 सब डिवीजन, 5 उपवर्गों में विभाजित किया है, जो हैं नंबर वन, जो हैं नंबर वन बांस फोड़ महली, बांस फोड़ महली, लिखे ब्रैकेट में या लिखे डैश देखे, बांस फोड़ महली, लिखे डैश देखे, बांस से टोकरी बनाने वाले, बांस से टोकरी बनाने वाले। नेक्स्ट नंबर टू, पातर महली, पातर, पातर महली, देखिए डैश देखिए, कृषि कार्य में प्रवीण, कृषि कार्य में प्रवीण या खेती में प्रवीण। नेक्स्ट सुलंकी महली, सुलंकी, सुलंकी महली, सुलंकी महली, इसमें कह सके मजदूरी कार्य करने वाले। नेक्स्ट ताती, ताती महली, देखिए इसमें पालकी ढोने वाले, और लास्ट लिखिए माहली मुंडा, माहली, माहली मुंडा, नाम नाम ही है, डिवीजन का नाम है माहली मुंडा। तो देखिए ये मजदूरी और बांस के कार्यों में तथा खेती में भी प्रवीण होते हैं, खेती में भी प्रवीण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महली जनजाति के जातीय पंचायत को परगनैत, महली जनजाति के जातीय पंचायत को परगनैत कहते हैं, परगनैत कहते हैं।
परगनैत कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, हेड दीजिए चेरो, चेरो जनजाति, चेरो आदिवासी। आप लिखिए चेरो, चेरो के बारे में लिखिए। यह जनजाति मुख्य रूप से पलामू परमंडल में पाए जाते हैं। यह जनजाति जनजाति मुख्य रूप से पलामू परमंडल में पाए जाते हैं, जिन्हें 12,000 एवं 13,000 जिन्हें 12,000 और 13,000 के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, जिन्हें प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में रखा जाता है, रखा जाता है। जिनके जिनकी है जिनकी बोल चाल की भाषा सदानी है, जिनकी बोल चाल की भाषा सदानी है, सदानी है। नेक्स्ट पॉइंट, चेर जनजाति अपने आप को च्यवन ऋषि का, चेर जनजाति अपने आप को च्यवन ऋषि, चेर जनजाति अपने आप को च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं। साथ ही ये स्वयं को राजपूत या चौहान तथा स्वयं को राजपूत या चौहान भी कहते हैं, भी कहते हैं। उसी में लिखिएगा, यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है, यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना, यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों या पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों या पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट उसी का, सामान्यतः इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है, मुख्य पेशा कृषि है। इनके या इनके या ये गांव को, इनके गांव को या ये अपने गांव को डी, अपने गांव को डीह कहते हैं, डीह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समाज पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक है। जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी, दस्तूरी या झांपी, दस्तूरी या झांपी कहते हैं। यद्यपि इनका विवाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज,
यद्यपि इनका विवाह संस्कार बिल्कुल हिंदी हिंदू रीति रिवाजों की तरह होता है। जहां विवाह की तीन रीतियां प्रचलित है, जिसे डोला घराऊ चढ़ाओ विवाह कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चेर जनजाति के धार्मिक प्रधान को वैगा कहा जाता है, जबकि जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहते हैं नेक्स्ट लिखिए छात्रगण, कोरवा जनजाति, कोरवा या जिससे कोरवा जनजाति, इसमें लिखिए कोरवा जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से आती है। यह समुदाय की है जिनकी भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक है उसी में झारखंड में यह जनजाति सबसे ज्यादा गढ़वा जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोरवा जनजाति की दो उपजातियां हैं जिसे पहाड़ी कोरवा और डीहा कोरबा कहते हैं। इनमें से
पहाड़ों पर रहने वाले, इनमें से पहाड़ों पर रहने वाले कोरबा को पहाड़ी कोरबा, इनमें से पहाड़ों पर रहने वाले कोरबा को पहाड़ी कोरबा, जबकि गांव या नीचे गांव में रहने वाले, जबकि नीचे गांव में रहने वाले कोरबा को डीहा कोरबा कहते हैं, डीहा कोरबा कहते हैं। डीहा कोरबा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोरबा को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता, शिकार का संग्रह करने वाले शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। जिसका आगमन झारखंड में मध्य प्रदेश से हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट, कोरबा जनजाति का सर्वोच्च देवता, सिंह बोंगा है। अपने पुजारी को बैगा कहते हैं, जबकि ग्राम रक्षक देवता को, गमेलह तथा पशु रक्षक देवता को रक्सेल, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोरबा जनजाति में अस्थांतरणशील अर्थात झूम कृषि, का प्रचलन है, जिसे बियोड़ा के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से कोरबा जनजाति में एक विवाह का प्रचलन है, उसी में कोरबा जनजाति की पंचायत को मयारी कहते हैं। साथ ही साथ
इस जनजाति में सांप पूजा, सर्प पूजा का विशेष महत्व है, विशेष महत्व है। महत्व है नेक्स्ट लिखिए छात्र का नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट सौरिया पहाड़िया जनजाति, यह भी एक आदिम जनजाति है उस आठ में। सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया जनजाति, लेकिन इसमें यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से आती है। यद्यपि इनकी भाषा द्रविड़ परिवार से है, यद्यपि इनकी भाषा माल्टो, ऐसे देखिए, यद्यपि इनकी भाषा माल्टो का संबंध द्रविड़ दक्षिण से द्रविड़ परिवार से है, यद्यपि बोल चाल की भाषा में बांग्ला का भी प्रयोग करते हैं, यद्यपि बोल चाल की भाषा में बांग्ला को बांग्ला का प्रयोग करते हैं, एवं ये लोग स्वयं को मलेर, एवं ये लोग स्वयं को मलेर कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिका पुस्तक के लेखक, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज ने भारत यात्रा के दौरान, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज ने भारत यात्रा के दौरान, भारत यात्रा के दौरान राजमहल की पहाड़ी में मौजूद सौरिया पहाड़िया, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज ने भारत यात्रा के दौरान राजमहल की पहाड़ियों में मौजूद सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया जनजाति का उल्लेख अपनी ग्रंथ में या अपनी पुस्तक में किया है। किया है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इनमें गोत्र नहीं पाया जाता, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इनमें गोत्र नहीं पाया जाता, पाया जाता, इनके युवा गिरह को, इनके युवा गिरह को कोड़वाह, इनके युवा गिरह को कोड़वाह के नाम से जानते हैं, और सौरिया पहाड़िया जनजाति, और सौरिया पहाड़िया जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित, आयोजित विवाह है,
आयोजित विवाह है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका सर्वोच्च देवता, इनका सर्वोच्च देवता लैहु गोसाई है। लैहु, लैहु, लैहु गोसाई है, लैहु गोसाई है, और इनके धार्मिक कार्यों का संचालन और इनके धार्मिक कार्यों का संचालन कांदो मांझी, कांदो, कांदो और इनके धार्मिक कार्यों का संचालन कांदो मांझी करता है। कांदो मांझी, नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से सौरिया पहाड़िया के गांव के मुखिया को समान रूप से सौरिया पहाड़िया के या समान रूप से इस जनजाति के गांव के प्रधान को या गांव के मुखिया को सियनार, सियनार कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सदरलैंड के प्रयासों से, मतलब अंग्रेज काल में बात कर रहे हैं हम, सदरलैंड के प्रयासों से इस जनजाति के लिए 1833 में, सदरलैंड के प्रयासों से इस जनजाति के लिए 1833 ईस्वी में एक पृथक पहाड़ी क्षेत्र, एक पृथक पहाड़ी क्षेत्र दामिने को, वही दामिने को सदरलैंड के प्रयासों से 1837 ईस्वी में इस जनजाति के लिए अलग क्षेत्र दामिने को का सृजन किया गया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विद्वान रिजले ने सौरिया पहाड़िया के धर्म को जीववाद कहा है, जीववाद कहा है। तो छात्रगण, आपने जेपीएससी पीटी पेपर 2 के सिलेबस के अंतर्गत झारखंड आंदोलन में झारखंड के आदिवासी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके तहत हमने अभी तक संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, खड़िया, सौरिया पहाड़िया, गोंड, कोरबा, महली इत्यादि जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
आता है उसके बारे में हमने समझा और जाना कि उनका क्या स्थिति है, वो कैसे निवास करते हैं, उनका धर्म क्या है, समाज क्या है, कौन सी सबसे विशिष्ट बातें उनमें पाई जाती है। छात्रगण, नेक्स्ट क्लास में शेष बचे हुए जनजाति को हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक ओके, थैंक यू।